नमस्कार, आई एम डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी। आई एम एमडी मेडिसिन डिपकार्ड और मैं डायबिटीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और भारत में इसका मुख्य कारण ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य पर, अपने खान पीन पर और अपने शरीर पर फोकस नहीं रखते। शुगर की बीमारी के लिए एक कहावत है कि यह अपने साथ 3-4 सहेलियां लेके चलती हैं। जैसे जैसे यह पुरानी होती जाती है, इसकी सहेलियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसके साथ में किडनी डिसीज़, जिसके साथ में इन्फेक्शंस, जिसके साथ में डायबिटिक फुट, जिसके साथ में ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक होने की संभावनाएँ ज़्यादा बनी रहती हैं। ब्लड प्रेशर इसके साथ में हमेशा चलता ही चलता है। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर चलती है तो उसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं और आगे आने वाले समय में उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ का समुचित इलाज होता है। फिजिशियन एक पहला द्वार होता है जिस द्वार से सबको होके निकलना चाहिए, जहाँ से डायग्नोसिस बनती है और उसके बाद हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को साथ में मिलाकर उनको क्रॉस रेफरल करते हैं और उसको बीमारी को उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। आप अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखें और आप अपने आप को स्वस्थ रखें, व्यायाम करें, यह आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। अपने आप को संतुलित और नियमित के ऊपर पालन करके चलें और अपने आप को स्वस्थ रखें, यह बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके यूरिन पर कभी चीटे आने लगे, आपको बार बार प्यास लगे, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े, आपका मोटापा बढ़ता जाए, आपको फैटी लीवर की संभावना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी शुगर को ज़रूर टेस्ट कराएं और उसके बाद में फिजिशियन को आप निटिमा हॉस्पिटल में आकर कंसल्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newtimahospital.com पर लॉगिन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।